करनाल के जवाहर नवोदय विद्यालय गांव सगा में पहुंचे केंद्र सरकार में खेल मंत्री किरेन रिजिजू। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते खिलाड़ियों को पुरस्कारों से किया सम्मानित। वहीं मीडिया से रूबरू हुए और खेल योजना को और आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान नथुराम गोडसे को देशभक्त वाले बयान पर कुछ भी कहने से किरेन रिजिजू बचते हुए नजर आए। आज करनाल के जवाहर नवोदय विद्यालय गांव सगा में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे, जहां पर विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न देशों में बॉक्सिंग खेल के लिए खिलाड़ियों ने मेडल जीते, जिसमें उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मुंबई, चंडीगढ़ व हरियाणा प्रदेशों से खिलाड़ी पहुंचे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हरियाणा में बढ़ रही खेल योजनाओं को सराहा। कहा कि हरियाणा में निरंतर खिलाड़ी उच्च स्तर पर निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं आने वाले समय में खेल की नई योजनाओं के ऊपर काम करने की बात कही है। गेम अच्छा था, काफी कुछ कमियां रही, उसे सुधारूंगा और आगे से अगली बार गोल्ड लेके आऊंगा। हिसार से CBSE की टीम से खेल रहा हूं मैं, हिसार में पढ़ता हूं, रूपक गांडा मेरा नाम है। भोपाल है। कहां से हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। कौन सा स्कूल है तुम्हारा, एकेडमी कौन सी है? मैं सरस्वती मंदिर स्कूल में और मैं स्वरक्षिणी बॉक्सिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। और आपने क्या कौन सा मेडल जीता है? मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ। कैसा गेम, कैसा रहा, कैसा प्रतिद्वंदी था? मेरे ओपोनेंट बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल बोलता हूँ। अगली बार मैं गोल्ड के लिए ट्राई करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके लिए मैं आया हूँ। विशेष करके खेल के लिए मुझे समय मिलता है तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ अटेंड करें और बच्चों का उत्साह भी वर्धन करें। और हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के कमिश्नर साहब और उनके टीम ने अच्छा तरीके से इसका आयोजित किया और बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हरियाणा में तो इस तरह का कार्यक्रम और होते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान में एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ रहे हैं खेल के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र सरकार, ये हरियाणा सरकार और हरियाणा के जितना भी जो खेल से जुड़े हुए हैं, सबसे मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि और भी भविष्य में हरियाणा के अंदर में और भी इस तरह के अगर कार्यक्रम हो तो मैं कोशिश करूँगा और आएँ। सर, पिछले दिनों हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने कई दफा अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, कोचेज को सस्पेंड किया है, और इससे क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों से ऐसे मामले हैं कि देखो, राज्य सरकार का अपना एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको मैं तो केंद्र मंत्री हूँ, इसमें मुझे कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है। सोनीपत आपके अंडर आता है ना, सोनीपत का जो हब है, बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, वो हमारे अंदर में है, लेकिन जो राज्य सरकार का मामला है वो राज्य सरकार देखेंगे, जो खेल मंत्रालय का है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, वो हम देख लेंगे क्या है। वो तो आप राजनीतिक मुद्दा पूछ रहे हैं, मैं तो खेल के लाया हूँ। नहीं नहीं, वो मुझे उसमें कुछ नहीं, प्याज को लेकर पूरा विवाद उठा हुआ है। प्याज को लेकर वो देखो, मैं अभी सेंटर का क्या है ना।